हरकत देख लो विहान की, कार के अंदर पैर डाल रहा है, ये देखो देखो, अरे अंदर टूट जाएगी बेटा कार, अरे क्या कर रहा है इसके अंदर, ये देखो ये कार है ना, इसके अंदर यहाँ बैठना चाहता है कि यहाँ अंदर बैठूंगा, ये ना पैर से पूरा दम लगा रहा है अंदर जाने की, बेटे कार जरूरत से ज्यादा छोटी है, इसके अंदर आप नहीं आ सकते। देखना कितना डिस्ट्रेस हो रहा है, इस कार के अंदर बैठूंगा, क्या कह रहा है खोलो, क्या खोलूं, क्या खोलूं बेटा, ये कार खुलने वाली नहीं है, खोलो, और ऐसे नहीं खुलेगी तो सोच रहा ऊपर से ये जो स्पेस है ना इसके अंदर से घुस के अंदर बैठ जाऊंगा। मैं ना जिस टाइम भी सो के उठती हूँ ना, मेरा बाबू उसी टाइम मेरे साथ उठ जाता है। आज मैं 6:10 पे उठी, साथ के साथ अपनी और ये अपनी ये इस कार के साथ खेल रहे हैं। ये सारी किताबें ना मैंने पढ़ रखी थी, तो मैंने ना वो निकाल के अलग रख दी, मिक्स ना हो ताकि, और यार मेरे को पेस्ट ही नहीं मिल रहा, मैंने पता रखा है पूरा फैमिली पैक मंगवाया था और नहीं मिल रहा, मैं रख के भूल गई कहाँ रखा कहाँ नहीं, 2 दिन हो गए, मैं क्या बताऊँ, पेस्ट ही नहीं है मेरे पास। बाबू नहीं नहीं, तू भी हैप्पी दिवाली, कंबल लोड़ के आई थी कि थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई सुबह, और इसने तो मेरा कंबल ही खोस लिया, छोड़ दे भाई मेरा कंबल, दे दे बेटा, आजा आजा आजा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, मैं जीत गई ये। अभी तो मुझे लग रहा है घर पे कोई नहीं है, या फिर सो रहे हैं मम्मी, मम्मा हैप्पी दिवाली, सो रहे थे, अच्छा लाइटें भी बंद है ना यहाँ बिल्कुल। वैसे ना अब जैसे जैसे सर्दियाँ आने लग रही है ना, सुबह के टाइम जैसे अब नहा ली, नहाने के बाद भी अब ऐसे हो रहा है यार, कंफर्ट जो जोन नहीं होता कि बस अब लेटे रहो, आराम कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। मम्मा बोलते आज कुछ मत मंगवाइयो बाहर से, आज मैं आलू के परांठे बनाऊंगी, फिर सीटी नहीं मिली कुकर की, ये विहान ने गुम कर दी। तो अभी मैं सोच रही थी कि आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे चली जाऊं, क्योंकि फिर रात को तो निकला नहीं जाएगा वैसे दिवाली दिन, और अब 4-5 दिन वैसे ही इतना पोल्यूशन हो जाएगा कि मॉर्निंग इवनिंग बाहर निकलना ही सही नहीं है हेल्थ के लिए। तो मैं सोच रही थी अभी घुमा लाऊं विहान को, बट अभी मुझे नींद चढ़ रही है, जल्दी से अपने ना घर के रूटीन काम निपटा देती हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करना। और कल ना मेरी फ्रेंड अंजू से फ़ोन पे बात हुई, उसने मुझे इतना अच्छे से मोटिवेट कर दिया, उसने ना करीबन 15-20 दिन में ना 5-6 किलो वज़न कम किया, और उसने मुझे बताया कि मतलब पूरा मेथड बताया कि उसने इस तरीके से वेट लूज़ किया, उसने सूथीज वगैरह उसने बताया मुझे कि ये सब पिया, तो मुझे भी काफ़ी लगा कि यार नहीं मैं भी अब थोड़ा सा सीरियस हो जाती हूँ, मुझे तो 5-6 किलो कम करना है, अगर ढंग से करूँ तो 1 ही महीने का काम है कम खत्म। मतलब उसने मुझे बोला कि एक बार परहेज करना है, उसके बाद तो क्या है ना, बाद में अपना जैसा खाना है खाओ आराम से, थोड़ा बहुत अपना रूटीन खाना शुरू कर दो, एक बार का है, नहीं मतलब नहीं, नहीं खाना तो नहीं खाना। मुझे इतना मोटिवेट मिला उसकी बात सुन के, मैंने कहा उसने इतना कर दिया, बल्कि वो तो मुझसे ज़्यादा बाहर का खाना पसंद करती है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती, मैंने कहा मैं भी लगूंगी। मम्मी आपने झाड़ू देखा है, वहाँ कैसे चला गया, मैं ढूंढ रही हूँ मिल नहीं रहा, कुत्ता ले जा पराठा का, गोदी में लेके 1 मिनट के लिए भी विहान को नीचे नहीं उतारा मैंने, अच्छा हो गया, मेरे यहाँ कंधे दर्द करने लग गए। विहान ब्रेकफास्ट में खाएगा आलू का परांठा और साथ में ये है घी शक्कर। मैं अभी फ्रिज की सफाई कर रही हूँ, और मैंने सुबह 1 गिलास दूध पी लिया था, और 8-10 काजू खाए थे, और थोड़े से मैंने कुरकुरे थोड़े से खाए थे, 10-15 कुरकुरे खाए थे, बस ये मेरा ब्रेकफास्ट था। फ्रिज की सफाई मैंने कर दी है, ये देखिए ऊपर ये रखी है मशरूम, अगर ये ख़राब होगी होगी तो फेंक देंगे, मुझे तो लग रहा है ख़राब हो चुकी है। गोभी रखी है, इसमें भी गोभी है, ये मिठाइयाँ हैं, ये हरी मिर्च है, इसमें कुछ फ्रूट सब्जी वगैरह कुछ कटहल वगैरह रखा है, तो बस इसको अब हम कर देते हैं फ्रिज को बंद। ठीक नहीं लग रही, पता नहीं
क्या हो रहा है, बट मेरा ना ऐसे हो रहा है कि इसे पानी भी नहीं पिया जा रहा, ऐसी हालत हो रही है, पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बहुत अजीब सी घबराहट सी हो रही है। हैप्पी दिवाली पापा जी। मेरी तो दिवाली आप देख सकते हो, बिस्तरे में मैं 2-2.5 घंटे सोई हूँ, अभी 2 घंटे आराम से मैं पापा जी 2 घंटे सोई हूँ। विहान को भी इसमें देखो, मैं कहा ये नहीं सोएगा तो मैं नहीं सो पाऊंगी, इसको भी सुला दिया। अनु आ रहे हैं घर, क्या ले आए पापा जी? हाँ ये तो पापा जी मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद, ना मैं विहान को देने दूंगी ये, इतना ऐसी चीजें तो। क्या लाए हो? रहने दो पाजी, मत खोलो ये सब तो, रहने दो, ये वहीं ले जाओ आप स्कूटी में, वहीं ले जाना, ये नमकीन वगैरह बिल्कुल घटिया चीजें ले आए आप तो। ये चिप्स रख लूंगी बस 2 पैकेट, ये ठीक है। मुझे नमकीन है ना इस टाइप की अच्छी नहीं लगती है, मतलब बहुत ही ज्यादा वो गरम गरम से होते हैं चना वगैरह। और चॉकलेट पापा जी मैंने साफ मना किया था चॉकलेट मत लाना, आप मेरी बात नहीं मानते हो, रख दो सारी, फ्रिज में जाएंगी, एक भी नहीं दूंगी। इसके सामने जानबूझ के खोल रख रहे हो ताकि ये रोए, गलत बात है। अब ये फिर रोएगा पापा जी। आप एक बात बताओ, आप जब निकले थे यहाँ से मैंने आपको यही बोला था कि चॉकलेट वगैरह मत लाना विहान के लिए कुछ भी, ये नुकसान करेगी इसके, और आप लेकर भी चॉकलेट ही आए, फिर भी ना रख दी मैंने फ्रिज में अंदर। हाँ ले जाओ आप, गलत बात है पापा जी। जो चीज़ मैंने कहा था जूस लाना, आप जूस लाए हो, जो चीज़ मंगवाई थी वो तो लाई नहीं, गंद मंद उठा लाए। ये चिप्स तो फिर भी चलो काम के, ये तो बिल्कुल भी नहीं, चॉकलेट आप इतनी ले आए हो, ये मैं रख रही हूँ, बाकी ले जाओ आप ये रहन दे। हाँ ये भी ले जाओ बेशक आप, नहीं रहन दे विहान, कोई जूस सोचा था मैं विहान को जूस पिलाऊंगी, जूस आप लाए नहीं और आप ले आए ऐसी चीज़। चुप हो जा विहान, अंदर चल, नहीं देना पापा जी इसको, गंद मंद नहीं देना, मजाक नहीं होता बच्चे के साथ, इतनी चॉकलेट ले आए, चॉकलेट ले आए इतनी सारी। मैंने पापा जी को स्पेशली कहा था कि विहान को चॉकलेट नहीं देनी, और अब देख लो ये कितना रो रहा है, क्या करूं बताओ। बच्चे के सामने लाके इसको दिखा दी कि ये ले चॉकलेट, अब मैं इसको कैसे चुप करवाऊं, इतनी मुश्किल हो जाती है। बेटा इधर आ, नहीं रोना, इधर आ, आजा बच्चे आजा, आजा कुछ और खिलाऊंगी तेरे लिए, मना खिलाऊंगी। यहीं रखी है, इधर ही है, इधर ही थी, कहाँ गई, इधर ही रखी थी। ऐसे मत खींचो पा जी दोनों हाथ से, यही पड़ी थी पापा जी। आपने ले भी ली होगी, आप ही की जेब में मिलेगी, आपकी जेब में चेक करो आप, आपने उठा चुके होंगे 100% आपने, देखो आप, आपने उठा ली होगी, अब है ही नहीं, यहाँ बैठ, यही तो रखी है, मैं खा ली, ये के है, अभी नहीं देता तो कोई चीज, तुम बोल दो, तो मैं अपना सामान ले आऊँ पहले ऊपर से, फिर चाबी आप अपने पास रख लेना, मेरी खाने पीने की चीजें ऊपर रखी हुई हैं। पापा जी ऐसे नहीं करो, मजाक थोड़ी होता है बच्चे के साथ, या तो चीज लाओ मत, लाए तो दिखानी नहीं थी, स्पेशली आपको चॉकलेट लाने को मना किया था, फिर भी चॉकलेट ही लेकर आए, और उसके बाद इसके साथ फिर रुलाने लग रहे हो अब इसको। एक छोटा सा बाइट दे दो, पूरी चॉकलेट मत दो इसको बाबू। ये ले, र
रुको, ये ले ले बेटा, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये वाली ले लो। विहान के लिए मैंने ओट्स बनाए हैं। इसमें मैंने हल्का सा ना मिठास के लिए बोर्नवीटा ऐड कर दिया, क्योंकि ना चीनी ख़त्म हो रखी थी वहाँ। मैं अभी देखा चीनी थी नहीं, शायद मम्मा शाम को अभी आते हुए लेकर आए, घर पे नहीं थे, तो मैं कहा ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको विहान को ही खिलाऊंगी। पापा जी के घर आई थी मैं जस्ट अभी, किया स्पेशली विहान को चॉकलेट दिलवा दी। मैंने कहा पापा जी को बुरा ना लग गया हो कि मैंने उस टाइम मना कर दिया कि मत दो। मैंने कहा एक दिलवा के, चाहे खाएगा नहीं ले, हाथ से दिलवा ही देती हूँ कि लेके आए थे, चलो बुरा ना लगे कि मैंने मना कर दिया, मत दो।